आज की ताजा खबर, सिर्फ कार का रास्ता काटने पर एनिमी को देनी पड़ी अग्नि परीक्षा। और इतना ही नहीं, बीच में बोलने का मौका तक नहीं मिला, कोई भी रिएक्शन करने का भी मौका नहीं मिला। जानने के लिए इस छोटी सी क्लिप को हम आप लोगों को दिखाते हैं। और इतना ही नहीं, साथ ही साथ एरेंगल मैप पर लोगों को उठाना पड़ा भारी चुनौतियों का सामना। जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो यार, आ चुके हैं एक और निकमल फेस वीडियो के साथ। और आज की आपको स्टार्टिंग कैसी लगी वो आप मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ साथ थोड़ा सा मैंने यूनिक करने का ट्राई किया है, तो आप मुझे अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं जॉर्ज पुल, अपनी फेवरेट प्लेस पर। तो मेरे दो ही फेवरेट प्लेस हैं, एक जॉर्ज पुल और एक नोवो। जहाँ पर कंटेनर होता है वो अपना फेवरेट प्लेस होता है। तो अब यहाँ पर लैंडिंग तो हमारी ठीक ठाक हो चुकी थी, यानी कि ठीक ठाक क्या, बहुत ही अच्छी हो चुकी थी। मतलब सबसे पहले आ चुके थे और एनिमी अब यहाँ पर कूद रहे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो पहले मैं यहाँ पर इनको ट्राई करने की कोशिश करता हूँ, मतलब गिराने की कोशिश करता हूँ, लेकिन यहाँ पर एक भी मतलब नहीं करता, क्योंकि इसकी जो आयरन साइड है ना स्कारल की, वो मुझे कुछ ज़्यादा खास नहीं लगती। मतलब ठीक ठाक है, इतनी बुरी भी नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर इनको नहीं मार पाता हूँ, नहीं गिरा पाता हूँ। उसके बाद हम मैं यहाँ पर दोबारा से इनको स्पॉट करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर मुझे एक एनिमी दिख जाता है जिसने दूसरे एनिमी को नॉक कर दिया था, तो मैं उसको भी नॉक कर देता हूँ और उसका जो किल है वो मिल जाता है। मतलब जो एनिमी था उसने एक और पार्टनर तो मार ही दिया था, मतलब अपना पार्टनर नहीं, दूसरे एनिमी को मार दिया था और उसको मैंने यहाँ पर नॉक कर दिया था। अब वो यहाँ पर अपनी उम्मीद छोड़ चुका था, क्योंकि इसका शायद पार्टनर काफ़ी ज़्यादा दूर था, तो ये छुप रहा था फिर भी। तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास एमओ भी ज़्यादा थी नहीं और इसको लूट के ही मेरे पास एमओ आएगी, तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पर गौर से सुनो, यहाँ पर आपको फुटस्टेप आ रहे होंगे, यानी कि इसके पार्टनर के। वो जो इसका पार्टनर था वो इसी के बगल वाले वेयर हाउस में था, तो मैं यहाँ पर इसकी थोड़ी बहुत लूट ले लेता हूँ। और ये पार्टनर भी आ जाता है उसका, तो इसको भी हम मार देते हैं। ये मतलब बदला लेने के लिए आया था और ये अंधा घुस रहा था, मतलब इसने देखा भी नहीं आगे पीछे, ये सीधा यहाँ पर घुस कर आ गया। तो यहाँ पर इसको भी पहुँचा देते हैं इसके टीममेट्स के साथ, क्योंकि वो अकेला बोर हो रहा होगा मतलब लॉबी में। उसके बाद आप यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करो, मतलब गौर से सुनो, आपको बगल वाले वेयर हाउस में अभी भी फुटस्टेप आ रहे हैं, यानी कि एक स्क्वाड और है अभी वहाँ पर। तो उसको मारने के लिए हम क्या करते हैं वो देखिए। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर इसकी लूट वगैरह कंप्लीट कर लेता हूँ, और लूट लेने के बाद मैं यहाँ पर एक ग्रेनेड डालता हूँ। अब वो जो ग्रेनेड था वो मैंने इस लेवल पर डाला था, यानी कि या तो बंदा नॉक होगा अगर वहाँ पर होगा, और अगर वो TPP वगैरह ले रहा होगा कहीं पर, तो मैं करने वाला था उसके ऊपर पुश। अब पुश करने का आप तरीका देखो, जैसी नेट फटेगा वैसे ही मैंने यहाँ पर जंप किया और सीधा मैं यहाँ पर आ गया। अब उसको फुटस्टेप नहीं आए कि थोड़ी देर के लिए जो सुन हो जाता है, मतलब कुछ भी सुनाई नहीं देता जब ग्रेनेड फटता है, तो मैं इसको आसानी से आके यहाँ पर नॉक कर देता हूँ। और ये यहाँ पर TPP लेता ही रहता है, उसको पता भी नहीं चला होगा कि मैं यहाँ पर कब आ गया, क्योंकि फुटस्टेप नहीं आते, आपने कभी भी ट्राई किया होगा। तो उसके बाद इसकी भी हम लूट ले लेते हैं। और यहाँ पर एक दूसरे एनिमी ने एक बोट को नॉक कर दिया था, तो मैं उसका किल चुरा लेता हूँ। अब फ्री का किल है, और सामने वाली टीम का अगर आप किल चुराते हैं ना, तो उससे ज़्यादा मज़े की बात कोई हो ही नहीं सकती। मतलब सारे किल एक तरफ और चोरी किया हुआ किल एक तरफ। तो यहाँ पर मैं इसका किल चुरा लेता हूँ। उसके बाद मैं इस क्रेट को लूटने की कोशिश करता हूँ, लेकिन यहाँ पर कोई पता नहीं कहाँ से मुझे फायर कर रहा था थोड़ा थोड़ा, तो मुझे डर भी लग रहा था कि मार ना दे। तो फिर मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, और वो जो एनिमी था वो मतलब रोटेशन लेके यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर इसको देखते हैं, तो ये इसको लगता है कि मैं यहाँ पर प्रोटेक्ट हो चुका हूँ, ये यहाँ पर आके छुप जाता है। मतलब इसको पता नहीं चला था जब मैंने इसके ऊपर फायर किया था तब, तो ये यहाँ पर आकर छुप जाता है। उसके बाद यहाँ पर एक और एनिमी आता है। अब ये मुझे समझ नहीं आया ये एनिमी था या फिर बोट था, क्योंकि यहाँ से पहले फायर भी आया था, तो मैं श्योर नहीं। तो क्योंकि लूट तो यहाँ पर थोड़ी थोड़ी ही मिली सबको, पता नहीं क्यों, लेकिन आज यहाँ पर लूट ज़्यादा अच्छी किसी को मिली नहीं। मुझे भी क्यों 30 MO के साथ 1 AR मिली थी, फिर मैंने मार मार के मतलब एनिमी को अपनी लूट इकट्ठी करी है, तब जाकर यहाँ पर मेरे पास 75 MO हुए हैं। और फिर भी यहाँ पर 5 AR मेरे पास कम थी, तो मैं यहाँ पर UMP को उठा लेता हूँ। उसके बाद सामने के साइड पर जो वेयर हाउस है वहाँ पर मुझे कुछ मतलब शॉटगन के साउंड आ रहे थे, तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ उसको देखने के लिए, लेकिन यहाँ पर मुझे कोई भी एनिमी नहीं दिखता है। लेकिन मुझे लग रहा था कि ये कैंपर है, और मैं नहीं चाहता था, क्योंकि मेरे यहाँ पर 6-7 किल हो जाते हैं, और मैं यहाँ पर नहीं चाह रहा था कि यहाँ पर वो मुझे मारे। और फिर यहाँ पर मुझे दिखता है एक बोट। अब ये बोट था तो मैं इसको ज़्यादा मतलब स्टाइल में मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन स्टाइल के वजह से यहाँ पर एक भी एमओ उसको कनेक्ट नहीं हुई और वो मारे आ रहा था मुझे। अब मुझे इसका तो पता था, मतलब ये तो मुझे नहीं मार सकता क्योंकि ये बोट है, लेकिन जो एनिमी शॉटगन से फायर कर रहा है ऊपर से, वो मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि वो कहाँ पर है। यानी कि अब मुझे एक आइडिया तो आ रहा था कि ये शायद टावर पे हो सकता है जो क्रेन खड़ी हुई है वहाँ पर, लेकिन वहाँ से भी वो अगर चाहता तो मार सकता था, लेकिन वो नहीं मार रहा था, तो मैं यहाँ पर श्योर नहीं था कि वो कहाँ पर है। लेकिन हाँ, एक आइडिया ज़रूर था कि अगर होगा तो
वहाँ पे ही होगा सामने ऊपर के साइड पे, क्योंकि वो मुझे स्पॉट कर पा रहा था लेकिन मैं उसको नहीं देख पा रहा था। तो मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए टीपी भी लेता हूँ इससे कि मुझे आइडिया आ जाए कि वो है कहाँ पर। लेकिन आप मुझे यहाँ पर थोड़ा सा दिख जाता है। अब वो मतलब थोड़ी देर के लिए पिक करता था मारने के लिए और फिर चला जाता था। तो मैं AKM पे 6x लगा के उसको मारने के लिए ट्राई कर रहा था लेकिन नहीं मार पाता। फिर मैं यहाँ पर चला जाता हूँ इस कंटेनर के ऊपर जिससे कि मुझे थोड़ा सा हाइट एडवांटेज मिले और मैं उसको देख पाऊँ, लेकिन यहाँ से भी मैं उसको नहीं देख पाता। यानी कि थोड़ी देर के लिए वो अपना फेस दिखाता है और फिर वापस से पीछे चला जाता है। और मेरे पास कोई एक्यूरेट गन भी नहीं थी, केवल AKM थी, तो मैं इतना लंबा स्प्रे नहीं कर सकता था 6x से। अगर मेरे पास स्कारल या M4 होती तो यहाँ से मैं गिरा देता शायद। तो उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा रोटेशन लेता हूँ। अब हालांकि काफ़ी होगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, और मैं उसके बार बार डैमेज भी कर रहा था, मतलब अपनी लोकेशन रिवील करता जा रहा था मैं। और वो मैं इसलिए कर रहा था क्योंकि वो नीचे आए या फिर मैं यहाँ पर ग्रेनेड डालूँगा। ग्रेनेड मैंने इसलिए डाला, मैं आपको बता दूँ कि कभी कभी क्या होता है कि बंदे हम लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए क्या करते हैं कि उनके पास जो सबसे वीक गन होती है उसको यूज़ करते हैं, यानी कि उसको चलाते हैं जैसे कि हमें लगे कि उसके पास थोड़ी सी वीक गन है, यानी कि घटिया सी गन है। लेकिन बाद में हम जैसे उसके पास जाते हैं तब वो अपनी पावरफुल गन निकाल कर हमें किल कर देते हैं। और मेरे यहाँ पर 7 किल हो चुके थे, तो मैं यहाँ पर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था, मैं उसको दूर से ही मारना चाहता था। हालांकि मैं चाहता तो वहाँ पर क्रेन पे जाकर उसको मार सकता था, लेकिन मुझे नहीं पता कि उसके पास क्या क्या है। केवल अभी वो शॉट गन चला रहा, हो सकता है उसके पास कोई अच्छी गन हो। तो उसके बाद मैं आता हूँ इस वेयर हाउस में, और यहाँ पर लकीली मुझे यहाँ पर मिल जाती है एक M24। अब कॉम्बिनेशन आप देख रहे हो, 8x मेरे पास पहले से था और यहाँ पर मुझे मिल जाती है M24, और मुझे इसकी ज़रूरत भी थी, यानी कि मुझे दूसरे उसको मारना था, तो मुझे ये यहाँ से दिख जाता है और मैं इजीली उसको 1 शॉट में किल कर देता हूँ। तो ये मतलब लकीली मिल गई, यानी कि एक कोइंसिडेंट समझ सकते हैं आप। उसके बाद मैं यहाँ पर कार उठाकर सीधा आ जाता हूँ इस जगह, इस वाली जगह पे। अब यहाँ की मैंने एक क्लिप छोटी सी आपको दिखाई थी कि एक्चुअल में हुआ क्या था। तो यहाँ पर मैं आया था ड्रॉप लूटने के लिए, लेकिन ये बंदा पहले से ड्रॉप लूट लेता है, मुझे इसका गली सूट दिख जाता है। तो मैंने कहा ड्रॉप पे जाके क्या करेंगे, इसी के पास आ जाते हैं। और यहाँ पर आने के बाद मैंने इस बंदे को बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया, और यहाँ पर मैंने फटाफट से ग्रेनेड खींचा और यहाँ पर डाल दिया। अब क्योंकि मुझे पता था वो यहाँ पर TPP लेगा, और वो आया भी था, और फिर मैंने उसका फायर करने का भी मौका नहीं दिया। मतलब मेरे हाथ में जॉन सी गन आ गई, मैंने फटाक से उसको एक शॉट मार दिया, लेकिन उसको नहीं लगा था, वो बात अलग है। और फिर मुझे पता था ये सीढ़ियों पे TPP लेगा, तो मैंने वहाँ पर भी एक मतलब मॉली डाल दी थी, इससे कि वो 1 सेकंड भी लगी। केवल आपने साउंड सुना होगा, उसने ओनली एक बैंडेज यूज़ कर पाई थी और तब तक उसका किल फीड में नाम आ गया। तो मतलब मैंने उसको 1 सेकंड भी नहीं दिया कुछ सोचने का, यानी कि वहाँ पर जैसे ही मैं आया मैंने ग्रेनेड खींचा, ग्रेनेड खींचने के बाद एक M24 का शॉट दिया, और यहाँ पर आने के बाद कॉकटेल मॉली उसके ऊपर डाल दी। उसके बाद मैं यहाँ पर इसकी जो लूट थी, यानी कि VIP वाली लूट, वो लेके मैं चला जाता हूँ आगे। अब VIP लूट का मतलब है M24 छोड़ दी थी मैंने वहाँ पर, उठा दी थी ओम। अब मैं आता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर एक ड्रॉप और आया था क्योंकि प्लेन की आवाज़ आपने सुनी होगी। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा पीछे रुक देता हूँ क्योंकि मेरे पास स्नाइपर थी, और मैं यहाँ पर इसको मारने की कोशिश करता हूँ, लेकिन तब तक ये जो बंदा था वो अपनी US उठा के निकल लेता है। तो फिर यहाँ पर मुझे एक साउंड और आया था, यानी कि गन फायर का साउंड आया था, लेकिन मैं यहाँ पर रुकता नहीं हूँ कि मुझे थोड़ा सा आगे जाना था, और ये कहीं पे छुपा हुआ था, यानी कि ये कैंपर था। तो मैंने इसको थोड़ा सा इग्नोर किया, और मेरी जो सेंसिटिविटी है वो थोड़ी सी ख़राब हो गई थी टैक्स की, तो मैं इसको सही करता हूँ, यानी कि पता नहीं कैसे बिगड़ गई थी, तो मैं दोबारा से इसको नॉर्मल कर लेता हूँ। इसलिए मैं थोड़ा सा पीछे आया था, क्योंकि आगे जाता तो शायद वो मुझे देख लेता। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा पीछे आ जाता हूँ बग्गी से। उसके बाद मैं आता हूँ वापस से वही ड्रॉप पे, क्योंकि मैं मतलब मेरे पास लूट तो हो गई थी, गन तो हो गई थी, लेकिन मेरे पास हेलमेट वगैरह नहीं थे कुछ अच्छे। तो मैं यहाँ पर अपनी हेलमेट और वेस्ट वगैरह लेने के लिए आ जाता हूँ, और शायद से कुछ और चिकन मिल जाए। मैं कुल मिला के ये ओम को छोड़ना चाह रहा था, क्योंकि मैं खेल रहा हूँ डुओ वर्सेस सोलो, यानी कि सोलो वर्सेस डुओ। तो मुझे यहाँ पर 2 गन चाहिए होंगी AR, तो मैं आता हूँ। शायद मुझे यहाँ पर ग्रोजा या फिर जो एक और गन होती नहीं क्या यार, नाम भी नहीं आ रहा अभी, तो MK14, हाँ, तो उस गन को मैं यहाँ पर ढूंढने के लिए आता हूँ। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि मेरे पास मतलब मेरे साथ एक स्कैम हो जाता है। सामने एक बंदा ऑलरेडी बैठा हुआ था TPP लेके ड्रॉप को होल्ड करके, कि कोई आएगा तो वो उसको मारेगा। तो वो मेरे ऊपर फायर करता है, लेकिन मैं कवर में आ जाता हूँ। और यहाँ पर मतलब ऐसी जगह थी कि अगर मैं थोड़ा सा पीछे होकर इसके ऊपर स्नैपिंग करूँगा तो मेरी बॉडी एक्सपोज हो जाएगी, और ये मुझे आसानी से गिरा सकता है, यानी कि आसानी से मार सकता है। तो मैं बिल्कुल मतलब पूरा ओपन में आना पड़ रहा था मजबूरी से। और फिर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि मुझे यहाँ पर चाहिए थी M24, लेकिन सॉरी ये M249, लेकिन मेरे पास एमओ थी नहीं, केवल 100 एमओ थी यहाँ पर। तो मैं क्या करता हूँ, पहले आता हूँ इस बंदे को क्लियर करने के लिए, और हो सकता है इसके पास 5 की एमओ हो। तो फिर मैं इसकी जो एमओ वगैरह उठा के जो M249 है वो ले लूँगा, क्योंकि मुझे मतलब 2 बंदों से फाइट लेनी है। अब हो सकता है कि क्या पता कि 2 बंदे सामने से एकदम से आ जाएं, और मुझे ज़रूरत पड़ेगी 2 गन की, यानी कि 2 AR की। लेकिन AKM तो केवल एक ही है, तो
एक स्प्रे में मैं शायद से ना गिरा पाऊँ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सबसे पहले देखता हूँ ऊपर एक US खड़ी हुई थी, तो मुझे लग रहा था शायद वहाँ पे कोई एनिमी है, लेकिन वहाँ पे कोई था नहीं, शायद यही बंदा था इतनी दूर खड़ी करके आया था। तो मैं यहाँ पर इसकी एमओ उठा लेता हूँ 5 की जितनी भी थी, उसके बाद मैं वापस से अपनी जो M249 है वो यहाँ पर ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे एक पावरफुल गन की ज़रूरत थी। पावरफुल तो खैर एक ही MB है, लेकिन दो बंदे शायद से नहीं मार पाऊँगा, मतलब एक साथ अगर दो बंदे आ रहे हैं तो मैं यहाँ पर जो M249 है वो ले लेता हूँ। अब इसका आपको यूज़ देखने के लिए मिलेगा, मतलब इसका यूज़ आपको देखने के लिए मिलेगा। अब आप ये चीज़ देखना, मतलब मैंने यहाँ पर जो एक्यूरेसी दिखाई है वो काफ़ी कमाल की दिखी, यानी कि मेरे जो जितने भी डिसीजन थे इस गेम के वो एकदम परफेक्ट थे। अब यहाँ पर मैं आता हूँ तो यहाँ पर मुझे साउंड सुनाई देता है एक कार का या फिर US का, तो मैं यहाँ पर आता हूँ। अब उसके बाद पहले इस बंदे को मारता हूँ, और पीछे वाला थोड़ा दूर था और वो वहाँ चढ़ भी नहीं पाता क्योंकि वहाँ का जो रेंज था वो काफ़ी ऊँचा था। अब यहाँ पर मेरी गन में केवल रह गई है 19 MO, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि ज़्यादा एमओ उसके ऊपर वेस्ट नहीं करता, मैं एक ओम का शॉट दे के चला आता हूँ। उसके बाद मुझे यहाँ पर एक डिसीजन ठीक लगता है कि अगर मैं यहाँ पर उस बंदे के पास जाऊँगा मारने के लिए तो मेरे पास केवल 19 MO है, और हो सकता है कि वो सारी मिस चली जाए और वो बंदा मुझे आसानी से मार देगा। मैं रीलोड भी नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मेरे पास है अभी यहाँ पर M249। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक ग्रेनेड डालता हूँ। अब ग्रेनेड की टाइमिंग देखना और उस ग्रेनेड की टाइमिंग देखना, आपने अगर गौर से देखा होगा तो उस बंदे ने भी ग्रेनेड डाला था जो कि 1 सेकंड लेट हो गया। अगर मैं वहाँ से 1 सेकंड बाद निकलता तो शायद मेरी यहाँ पर क्रेट बन जाती। अब मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ कि जो मैंने ग्रेनेड डाला था वो उस बंदे को मारने के लिए नहीं डाला था, मैंने इसलिए डाला था क्योंकि थोड़ी देर के लिए उसके कान सुन हो जाएंगे, यानी कि उसको कोई भी साउंड नहीं आएगा और मैं आसानी से उसको जाके मार दूंगा। लेकिन वो भी बहुत होशियार था, उसने भी एक ग्रेनेड डाला था जो कि मुझे नहीं पता था कि उसने ग्रेनेड डाला है, लेकिन मेरी जो टाइमिंग थी आप एक कोइंसिडेंस कह सकते हैं, तो मैं मतलब बच गया वहाँ पर, मतलब सही टाइमिंग थी मेरी वहाँ पर निकलने की। अगर 1 सेकंड भी लेट हो जाता तो मैं वहाँ पर मर जाता। तो उसके बाद मैं यहाँ पर इस बंदे की उठा लेता US, क्योंकि मेरे पास बग की थी, मैं उसको भी ले सकता था। लेकिन आपको शायद मैं आपको बता दूँ एक चीज़ और, कि अगर आप लास्ट के 2 सर्कल जो होते हैं पूरे मैच में, आप कोई सी भी व्हीकल चला सकते हैं नो डाउट, लेकिन लास्ट के जो 2 सर्कल होते हैं उनमें आपको एक बड़े व्हीकल की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि US हो गई या फिर डार्सिया हो गई, क्योंकि वहाँ पर आपको कवर की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर मैं इस कवर को थोड़ा सा और बड़ा बना देता हूँ और इस माइनर में लगाता हूँ कि अगर मुझे इस कार को लेके जाना पड़े तो कहीं भी मुझे घुमानी ना पड़े, सीधी लेके जा सकूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर कवर में आ जाता हूँ, और यहाँ पर आने के बाद मैं यहाँ पर देखता हूँ कि मतलब बंदे फाइंड करता हूँ, तो यहाँ पर मुझे कुछ साउंड आ रहे थे सामने से, तो मैं यहाँ पर फाइंड करने की कोशिश करता हूँ, और लकीली मुझे वो दिख भी जाता है। लेकिन शॉट पता नहीं कैसे मिस हो जाता है, मतलब मेरे स्नाइपिंग के शॉट इस मैच में इतने घटिया होने वाले ना कि क्या ही बताऊँ। तो आप देखते जाओ, और यहाँ पर मैं आपको एक हिंट दे दूँ, यहाँ पर मैं किसको मारने वाला हूँ, गैस करो। अभी आपको नाम दिख ही जाएगा, देख लिया नाम, तो मतलब ये बंदा जब मैंने मारा था तब मुझे लगा था कि वो भाई मैंने तो लीजेंड एक्स को मार दिया, और फिर मैंने बाद में इसको रिपीट करके देखा ना, तब मुझे पता चला कि ये लीजेंड एक्स तो है लेकिन ये फेक लीजेंड एक्स है, क्योंकि लीजेंड एक्स में जो ई है वो कैपिटल, सॉरी मैं बोल रहा हूँ कि ई बनती है लीजेंड एक्स में, लेकिन यहाँ पर क्या होता है जी के बगल में इसने ए बनाई है, यानी कि जी के बाद ई आती है लेकिन इसने ए बनाई है, तो थोड़ा सा मतलब एक अक्षर का अंतर है, और ये फेक लीजेंड एक्स था। लेकिन मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ नॉक, और इसको किल करने का मौका नहीं मिलता क्योंकि इसका जो पार्टनर आके वहाँ पर स्मोक विस्मोक कर देता है और थोड़ा सा कवर में चले जाते, तो मैं उसको नहीं मार पाता, लेकिन ये मरेगा मेरे ही हाथों से। अब मैं आपको वो भी चीज़ यहाँ पर दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आने के बाद मुझे एक बंदे ने फायर किया था, वो मुझे तब तो नहीं दिखाता लेकिन दोबारा मुझे ये दिख जाता है नीचे भागता हुआ, और मैं इसको एक रनिंग शॉट दे देता हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों इस बंदे ने कौन से वेस्ट हेलमेट पहन के रखे हुए थे, 3 शॉट खा जाता है यार ये ओम के, तब मरता है। तो फाइनली हम इसको किल कर देते हैं क्योंकि ये पहले नहीं दिखाता, लेकिन मैंने बाद में एडिटिंग के टाइम पर देखा था तो ये मुझे वहाँ पर शो हो गया था, जब मैंने उस बंदे के ऊपर लीजेंड एक्स जो था उसके ऊपर मैंने जब स्कोप ओपन किया था तब ये नीचे थोड़ा सा शो हो गया था हल्का सा, लेकिन मैंने उस टाइम पे नोटिस नहीं कर पाया था। उसके बाद आता है ये वाला बंदा। अब इस बंदे की एक्यूरेसी आप देखना कितनी कमाल की, मतलब ये भी एक कोइंसिडेंस आप बोल सकते हैं कि देखिए ये वाला जो शॉट था वो जैसे ही एमओ मैंने मतलब जैसे शॉट लिया वैसे ही उसने वहाँ पर जंप कर दिया, मतलब एकदम परफेक्ट टाइमिंग पर उसने जंप किया, जैसे मैं उस जगह से मतलब शेक से निकला था परफेक्ट टाइमिंग पर जब नेट फटने वाला था, सेम उसी तरीके से इसके साथ ये कोइंसिडेंस हो गया। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर वो जो बंदे थे वो क्लोज इन कर चुके थे और मेरे ऊपर शॉट ले रहे थे, तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा स्मोक कर दिया। अब मतलब हर एक डिसीजन मेरा यहाँ पर एकदम परफेक्ट होने वाला है, और मैंने अपनी कार को यहाँ पर ब्लास्ट नहीं किया था क्योंकि मुझे नहीं पता कि जोन लास्ट का कहाँ बनेगा, तो फिर मैं क्या करता हूँ थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ क्योंकि जोन मेरी फेवर में था, और मैं यहाँ पर छुप जाता हूँ, बार बार से छुप जा रहा था, मतलब मुझे नहीं दिख रहा था स्मोक में कि बंदे कहाँ पर हैं, कि मैं स्मोक कर दिए थे और वो शॉट भी ले रहे थे, लगातार शॉट ले रहे थे, और मेरी जो US थी उसको उन्होंने कर दिया डैमेज।
अब आप देख सकते हैं, मैंने इसको फोड़, मतलब मुझे फोड़नी नहीं पड़ी अपनी यूएस, वैसे मुझे फोड़नी पड़ती, लेकिन उस उन बंदों ने फोड़ दी तो थोड़ी सी हेल्प भी हो गई। और मेरी लोकेशन तो खैर रिवील पहले से हो चुकी है, क्योंकि सबको पता है कि मैं कहाँ पर हूँ, और बग्गी भी मैंने यूएसबी आगे लगा दी थी, और कवर यहाँ पर अब मेरा एकदम परफेक्ट बन चुका था, और मुझे अब यहाँ से कहीं भी नहीं जाना था। साथ साथ स्मोक भी कर दिए थे थोड़े से, जिससे कि उन लोगों को मेरे ऊपर एम लेने का मौका ना मिल पाए। अब यहाँ पर आप देखो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर ये जो बंदे थे, दो तो ये रहे सामने, अब ये तो टीममेट थे, अब इनके बगल में एक बंदा और था, वो इनको थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है, क्योंकि इनकी लोकेशन रिवील हो गई और मैं थोड़ा सा कवर में, और ये खुले में, यानी कि इनके लिए एक तरीके से खुली जगह है। अब ये वाला शॉट देखो, थैंक यू। अब पहले वाला ख़राब हो गया है, पहले वाला जो M249 का जो स्प्रे था वो इतना बकवास गया कि यार क्या ही बताऊँ मैं तुम्हें, मतलब क्या ही बताऊँ, बहुत घटिया स्प्रे गया वो। तो उसके बाद ये जो लास्ट बंदा बचा हुआ, यानी कि एक बंदा तो उस बंदे ने मार दिया था जो दूसरे साइड था, अब ये वाला बंदा बचा है, इसको मैं देखो कैसा शॉट देता हूँ, ये वाला देखना, मतलब इसको लगता है कि केवल मैं ही पिक कर रहा हूँ। तो आई होप कि आपको यह आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी और मज़ा भी आया होगा, मैंने थोड़ा सा यूनिक ट्राई करने की कोशिश की है। तो अगर आप किस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलते हैं आपसे एक और निकमल फेस वीडियो।